करता हूँ आप सबका स्वागत स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा में। आज एक होम्योपैथिक की ऐसी दवा जिसको आप जानते हैं रात और दिन लेकिन काम में नहीं लेते, तो आज सुबह सुबह ही अच्छी चीज़ को प्रस्तुत करना चाहिए। वो एक भजन है ना, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम। इसी तरह कोई भी अच्छी चीज़ हो उसका नाम सुबह सुबह ही लेना चाहिए। हाँ, आज मैं आपको होम्योपैथिक दवा मोरिंगो एलिफेरा मदर टिंचर या पोटेंसी इससे परिचित कराऊंगा, और इसका हिंदी नाम है सहजन। कहीं इसको सहजना बोलते हैं, कहीं सहजू बोलते हैं, और ये पूरे भारत के अंदर घर घर के अंदर लगा है, लेकिन लोग इसका प्रयोग नहीं करते। इसके पत्तों को तोड़ करके और उसका पाउडर बना करके कैप्सूल महंगे भावों में बिकते हैं, आप लोगों को लूट रहे हैं। इसका पाउडर पैकेट के अंदर आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत ऊंची जड़ी बूटी हो, और अनाप शनाप पैसे ले रहे हैं। इस मामले के अंदर दक्षिण वाले बहुत आगे हैं, दक्षिण वाले उन्होंने इसका महत्व समझा और वो पैसे कमा रहे हैं। अरे सहजन का पेड़ तो आप कहीं भी उसकी टहनी लगा दो, लग जाएगा, बहुत इजीली है। उसके पत्तों को तोड़ लो, पत्तों को तोड़ करके छाया में सुखा लो और पाउडर बना लो। किसी को डायबिटीज नहीं है, थोड़ी मिश्री मिला लो, सुबह शाम एक एक चम्मच पक्की लगाओ, देखो आपकी कायाकल्प होती है नहीं होती है। अब मैं कुछ आपको इसके लाभ बताता हूँ। इसकी होम्योपैथिक में सहजन से जो दवा बनी है उसका नाम है मोरिंगो एलोफेरा। सब फार्मेसियाँ बनाती है, मेरे पास भी है। पोटेशियम की उच्च मात्रा वाले फल सब्जियाँ रक्तचाप को रोकने में सहायक होती हैं। हरी सब्जियाँ, इस तरह सहजन में पोटेशियम विटामिन खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। मोरिंगो में केले के मुकाबले 3 गुना अधिक पोटेशियम होता है। हाई बीपी की समस्या वालों के लिए मोरिंगो वरदान है। अरे क्यों नहीं काम में लेते इसका पाउडर, आज ही पत्ते तोड़ के ले आओ, खूब पेड़ लग रहे हैं, बनाओ, सारी बीमारियों को दूर करो, और कोड़ियों के अंदर आपका एक पैसा नहीं लगेगा। और सब्जी मंडी के अंदर इसकी लंबी लंबी फलियां बिकती है, बहुत महंगी भाव की बिकती है, उसकी सब्जी बनती है, उसके बीजों की सब्जी बनती है। तो ये अपने मोरिंगो हाई बीपी के लिए रामबाण दवा है। शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करती है, हृदय को ताकत देती है, और धमनियों की मोटाई को बढ़ने से रोकती है, फेफड़ों को मजबूत बनाती है। हाई बीपी के मरीजों को इसकी पत्तियों का रस थोड़ा शहद मिला करके ले सकते हैं, और या काढ़ा बना करके ले सकते हैं। काढ़ा पीने से घबराहट, चक्कर आना, उल्टी इत्यादि में राहत मिलती है। मोरिंगो यानी कि सहजन, इसकी फली में कैल्शियम पाया जाता है, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैं दोनों तरफ चल रहा हूँ, आपको इधर होम्योपैथिक मोरिंगो एलिफेरा के बारे में, और इधर है जो सहजन जिसका नाम है, इधर भी मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, इसे गर्भवती महिलाओं को देने से उनके होने वाले बच्चों के कैल्शियम की मात्रा पूरी होती है, जिससे होने वाला शिशु तंदुरुस्त होता है। इसके साथ ही इसमें लोहा, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है, जो कि शरीर को स्वस्थ रखने में मजबूत करती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के उपाय, सहजन की पत्तियां मोटापा और शरीर की बढ़ी हुई चर्बी को दूर करने के लिए मोरिंगो एक लाभदायक औषधि माना गया है। इसमें फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है, इसके अतिरिक्त कैलोरी को कम करती है, साथ ही वसा को कम करके मोटापा कम करने में सहायक होती है। सहजन की पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। माना जाता है कि
सपा परिचय को बढ़ाने का मोरिंगों का सकारात्मक प्रभाव होता है। यह अपने शरीर की कैलोरी जलाने की हेल्प करता है। मोरिंगों की पत्तियां फाइबर युक्त होती है और वजन कम करने के लिए मोरिंगो एक बेस्ट सप्लीमेंट है और आपको सप्लीमेंट के नाम से लूटा जा रहा है। अरे आज की तारीख के बाद आप कोई बाजार से नहीं खरीदोगे। आपको आप किसी को भी कहोगे सहजन का पेड़ बता दो, वो बता देगा। नर्सरी में चले जाओ आप, अरमा माली से कह दो मेरे को सहजन का पेड़ बता दो। अरे पत्ते तोड़ दो, एक 10 रुपये का नोट दो, जिसमें तो आपको इतने पत्ते दे देगा वो घर लाके धो करके छाया में सुखा करके पाउडर बना के खाओ या उसको काढ़ा बना के लो, जो आपकी इच्छा हो जैसे करो। कैलोरी जलाने में मदद करता है। हाँ, सहजन में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और एंटी वायरल गुण होते हैं जो आपकी चमड़ी के कई तरह के संक्रमण को रोकते हैं। पसीना और कुछ रासायनिक उत्पादों की वजह से आपकी चमड़ी पर मौजूद हानिकारक विषाक्त पदार्थों में ये लाभ करता है। इसके अलावा मोरिंगो में प्रोटीन अधिक होता है जो चमड़ी की कोशिकाओं के पारा और कैडमियम के कारण होने वाली क्षति से बताता है। इसी कारण से मोरिंगो का प्रयोग कई चमड़ी की रोगों में किया जाता है। सहजन यानी कि मोरिंगो में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए चमड़ी को सुंदरता बनाए रखता है। इसके लिए सहजन के तेल का प्रयोग, देखो सहजन के जो इस मोरिंगो के बीज होते हैं, मैंने इसके बीजों का तेल बनाया। वो मैंने तेल वात व्याधि यानी कि घुटनों के दर्द के लिए बड़ी रामबाण चीज़ है, उसके लिए मैंने बनाया। बीज महंगे आते हैं लेकिन खूब मिलते हैं। और इसकी जो फलियों में आप बीज की सब्जी खाते हैं तो वो चीज़ है, ताकतवर चीज़ है। हाँ, ये त्वचा में बहुत लाभदायक है। जो लोग गोरे होना चाहते हैं तो उनके पाचन तंत्र को ये अच्छा बनाता है। कब्ज का इलाज करने में उपयोगी होता है, ये कब्ज को तोड़ता है। ये दवा की दुकान पर मिलने वाली एंटासिड्स दवाओं का एक बेहतर हर्बल विकल्प है। बाजार में ये खूब बिकती है, एंटा एसिड की दवाओं के नाम पर मोरिंगो का पाउडर यानी कि सहजन के पत्तियों का ही पाउडर जो कोड़ियों में आता है और आप उनको थैला भर के रुपए देके आते हैं। सहजन में एंटीबायोटिक गुण भी है, एंटी बैक्टीरियल गुण हैं जो हेलीकॉप्टर पिलोरी और कोलिफ्रॉम बैक्टीरिया जैसे दस्त का कारण बनने वाले रोगजनकों को विकास को रोकता है और दस्त जैसी समस्याओं में लाभदायक है। मोरिंगो एलिफेरा का उपयोग करने से पाचन से संबंधी हैजा, दस्त, पेचिश, पीलिया, कोलाइटिस को दूर करने में सहायक होता है। इसकी पत्तियों के अंदर 1 चम्मच पत्ती का रस, 1 चम्मच शहद और नारियल पानी मिलाकर पीने से सभी रोगों में आराम मिलता है। इसकी फली की सब्जी बनाकर खाने से कब्ज में आराम मिलता है। इसकी सब्जी से गुर्दे और मूत्राशय की अंदर जमी हुई पथरी भी निकल जाती है। पीलिया के अंदर भी मोरिंगो यानी कि सहजन बहुत अच्छा है। इसमें सूजन और दर्द को दूर करने वाले गुण होते हैं जिनकी वजह से यह शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द से राहत दिलाता है। ये गठिया, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द ऐसी समस्याओं के लिए लाभकारी होता है। मोरिंगो की जड़ों से लेकर पौधे तक का इसका इस्तेमाल होता है। मोरिंगे का पत्तों का पेस्ट घाव पर लगाया जाता है और इन पत्तों की सब्जी भी सिर दर्द में राहत देने में मदद करती है। सहजन के पत्तों को पीस कर गर्म कर सिर में लेप करने से और उसके बीज को घिसकर सूंघने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। इसके बीज का पाउडर का उपयोग कुछ नाक में सूंघने के लिए करते हैं, सिर दर्द को ठीक करने के लिए। देखो सहजन बड़ी ताकतवर चीज़ है। शुक्राणु की जांच कैसे करें, यह विषय आया है कि शुक्राणु की जांच कैसे करें।
सहजन का फल शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जाना जाता है। पुरुषों में यह शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने और वीर्य को गाढ़ा करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए सहजन का सेवन माहवारी को सही करता है, गर्भाशय की शुद्धि करता है। शुक्राणु बढ़ाने के लिए अब मैं इसके अन्य फायदे आपको बताता हूँ। मोरिंगों की पत्तियों के रस को निकालकर कान के अंदर डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। मोरिंगों में विटामिन सी पाया जाता है जो कि सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों को ठीक करता है। मोरिंगों की पत्तियों को पीसकर सिर पर लेप लगाने से माइग्रेन से छुटकारा मिलता है। दांतों में लगने वाले कीड़े और मुँह के रोग जैसे पायरिया में इसकी पत्तियों को चबाने से आराम मिलता है। एंड इसका गोंद ला करके दाढ़ के अंदर अगर दर्द हो उसके बीच में इसके गोंद की डली को दबा के रखो, दाढ़ का दर्द गायब। इसकी फली के सेवन से खून साफ होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है। सहजन की पत्तियों को सुखाकर उसकी चटनी भी बनाई जाती है जो कि आंखों के रोग और रक्त की कमी में, यानी कि अगर एनीमिया हेमोग्लोबिन कम है तो उसमें बड़ा लाभ करती है, रक्त की कमी में सहायक होती है, आंखों में भी ये लाभ करती है, रोशनी को बढ़ाती है। सहजन की फली का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के वक्त ज़्यादा दर्द नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन आजकल तो नॉर्मल कोई करते ही नहीं है। जिन लोगों के पैर में मोच आ गई हो उनके लिए मोरिंगों की पत्तियों सरसों के तेल में पकाकर मोच वाली जगह पर रखने से आराम मिल जाता है। इसकी पत्तियाँ कई प्रकार के घाव और सूजन को ठीक करने में हेल्प करती है। कई अध्ययनों से पता चला कि मोरिंगो डायबिटीज को कम करने और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव को देने वाला है, यानी कि डायबिटीज का नाश करता है ये। मोरिंगो का फूल पेट कीड़ों को कम करने के लिए ये पित्त और कफ को संतुलन बनाए रखता है। सीजन में सब्जी मंडी में फली के अलावा मोरिंगो के फूल बिकते हैं, उनकी सब्जी बना के खाइए, ऐसी टेस्टी हुआ आपके शरीर में कहीं दर्द ही नहीं रहेगा। हाँ, सिर के बालों के लिए पोषक तत्वों का एक भंडार है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, तांबा, मैग्नीज जैसे इसमें पदार्थ हैं। विशेष तौर पर सहजन में मौजूद विटामिन ए, विटामिन ई की मौजूदगी इसके बालों के लिए लाभदायक है, क्योंकि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये रक्त में प्रवाह को बढ़ाकर सिर की चमड़ी को स्वस्थ रखता है, इसलिए आपके बाल लंबे और काले रहते हैं। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मोरिंगो ओलीफेरा मदर टिंचर या होम्योपैथिक में जो बना है उसके नहीं, इसको अगर आप पेड़ से कोई चीज़ तोड़ के लाते हैं सहजन, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, आप उल्टा ना समझ जाएं, क्योंकि समझना भी बड़ी एक ट्रिपिकल बात होती है। देखिए इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, ये जलन में थोड़ी वृद्धि करता है, अगर शरीर में कहीं जलन है तो थोड़ी उसको बढ़ा सकता है। पेट वाले रोगों को इसकी सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई को पेट में अगर दर्द पहले से ही है, कोई समस्या है, तो इसकी सब्जी कच्ची की बात करना, होम्योपैथिक तो लीजिए, इसकी सब्जी का प्रयोग देख के करना चाहिए और मासिक धर्म का अंदर इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के दौरान इसको लेना ठीक नहीं। सहजन प्रोटीन विटामिन खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सहजन के पत्ते, जड़, छाल और फूलों को गर्भावस्था के दौरान में नहीं काम में लेना चाहिए। डिलीवरी के तुरंत बाद इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बस अब मैं बताता हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करें। सहजन के पेड़ का हिस्सा जड़ से लेके अब ये तो हाँ, इसके जो बीज हैं इनको अंदर फाइबर अधिक होता है जो आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है। इसका तेल वात व्याधि में मसाज में काम आता है और बहुत काम आता है। सहजन का तेल बहुत कम निकलता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। सहजन के पत्ते, आप इसकी पत्तियों का सेवन अच्छी तरह से, ये मैं आपको समझा चुका कि इसको इस तरह से करना है। कुल मिला के हाँ, सहजन मोरिंगो एलोफेरा के नाम से ये होम्योपैथिक के अंदर प्राय सारी अच्छी जो फार्मेसियाँ हैं, मोरिंगो ओलीफेरा
तो आप इसका मदर टिंचर लाएं। मदर टिंचर ला के एक खाली टॉनिक के हिसाब से, एक तो मोरिंगो को मैंने कल अपने वीडियो में चुकंदर के बारे में बताया था, बीटा वल्गेरियस, तो कल वाला वीडियो में चुकंदर का जो बना मदर टिंचर है बीटा वल्गेरियस और प्लस ये मोरिंगो ओलिफेरा मदर टिंचर और एक ब्राह्मी का मदर टिंचर, तीन ये मदर टिंचर आप मिला करके 10-10 बूंद यानी कि 30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार अगर आप लेंगे तो आपके शरीर के अंदर रोग कोई रहेगा नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये आप एक महीना लेने के बाद अपने डॉक्टर से वो करें। और अगर जिनको फ़ायदा इसके मदर टिंचर से नहीं होता तो वो इसकी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार, 200 पोटेंसी हफ्ते में 2 बार, 1000 पोटेंसी हफ्ते में 1 बार ट्राई करें, उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात अंत में वीडियो समाप्त करने के पहले मैं ये बताता हूँ कि सहजना सहजन एक ही चीज़ होती है, ये बहुत आसानी से लगता है और हर शहर में 100-200 पेड़ इसके हैं, कोई से भी शहर में चल जाओ, गोल गोल छोटे छोटे इसके पत्ते होते हैं, इसके पेड़ की लंबाई ज़्यादा नहीं होती, बहुत जल्दी टूट जाती है इसकी टहनी, बहुत जल्दी टूट जाती है, तो इसके 12 महीना फलें आती है, फूल आते हैं, तो आपको सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी पत्तियों को लाके और धो करके और जहाँ हवा लगती है वहाँ आप चादर बिछा करके और सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद में सबसे अगर आप इसको डायरेक्ट मुंह में लेंगे पाउडर को या आधा चम्मच तो आपके गले के अंदर वो थोड़ी धस आएगी, इसलिए इसके पाउडर के अंदर जितना ये पाउडर है उससे आधी, यानी कि अगर 250 ग्राम पाउडर है तो 125 ग्राम मिश्री का पाउडर इसके अंदर मिला दें और ताकत के लिए एक चम्मच सुबह एक चम्मच रात को डाल के मुंह के अंदर और गाय का दूध टिकाएं, आपके शरीर में कोई रोग रहेगा ही नहीं। जिनको डायबिटीज है वो मोरंगो की पत्तियों के अंदर जो पिसी हुई पत्तियां हैं उनके अंदर थोड़ा सा संगाड़े का आटा वो मिला करके और वो सुबह शाम सेवन करेंगे तो उनकी डायबिटीज और डायबिटीज की जो कमजोरी हुई है उसको ये ठीक करेगा। कुल मिला के मैंने अभी 18 मिनट के वीडियो के अंदर आपको मैं सत्य कहता हूँ कि सहजन में इतने गुण हैं मोरिंगो एलिफोरा के अंदर कि कम से कम ऐसे मेरे को 5 और वीडियो बनाने पड़े तब जाकर के कंप्लीट होए, तो इतना कोई सुनता नहीं है। मोटा सार है वो मैंने आपको दे दिया और सबसे बड़ा तोहफा तो ये दिया हूँ कि बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी दिव्य चीज़ का हमें होम्योपैथी के अंदर मदर टिंचर और पोटेंसी मिलती है और आप लोग क्यों नहीं लाभ उठाते, आज ही खरीद के लाओ। दुकानदार लोग रखते नहीं हैं क्योंकि जिसमें कमाई कम होती है ना ऐसी चीज़ें रखते नहीं हैं। आप उनको कीजिएगा आप तो 1 पाउंड मंगा के रख दो, आपके पूरे परिवार में काम आएगा। 300 रुपये का 1 पाउंड आता है, SBL का मंगाओ, कोई भी कंपनी का मंगाओ, XYZ सील लगा हुआ मंगाओ, मदर टिंचर मंगाओ, पोटेंसी मंगाओ और ऑनलाइन मोरंगी का पाउडर जो सप्लीमेंट के हिसाब से ऑनलाइन बेचते हैं और इसके कैप्सूल ऑनलाइन बेचते हैं, कैप्सूल के अंदर क्या है इसकी पत्तियों का ही तो पाउडर है। अरे इनके अंदर अपनी जेब को मत कटाओ मत कटाओ, पैसे तो तुम्हारे खर्च होते हैं, दर्द मेरे दिल को होता है लेकिन मैं कहाँ कहाँ किस किस को बचाऊँ। देखा ना आपने, आज से इसको सेवन करें और ये अच्छा वीडियो है इसको सब्सक्राइब करें।